किसी के मुनाफे का काम किसी को जिंदगी भर का नुकसान दे गया। ये वाक्य उस वाक्य के लिए जो आज बिहार के लालगंज में घटित हुआ है। सुबह सवेरे शौच के लिए गया नन्हा सा 12 साल का मासूम लगभग 16 फीट गहरे गड्ढे में डूब कर मर गया। जी हाँ, खुले में शौच। महकमा सुने, जो भाजपा के स्वच्छ भारत का नारा बुलंद करने वाले विधायक है वो भी सुने, और जिन्हें लगता है कि राज्य खुले में शौच से मुक्त हो गया है वो भी कान खोल कर सुने। ये शव उनके मुंह पर तमाचा है। खुले में शौच करने के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसे सिस्टम के द्वारा किया गया हत्या कहा जाना चाहिए। ये बच्चा खुले में शौच करने गया था। खेतों में गड्ढे खोने गए थे, मिट्टी कटाई गई थी और बरसात के कारण उसमें पानी भर गया था। पांव फिसल गया, डूबने से मौत हो गई। घटना है लालगंज सिरसा वीरन वार्ड नंबर 6 की। बृहस्पतिवार की सुबह राजकुमार राय के 12 वर्षीय पुत्र विकास की गांव में खोदे गए गड्ढे में शौच करने के दौरान फिसल कर डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद उसे फौरन लालगंज रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां आते आते उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना तत्काल थाने को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की शुरुआत कर दी है। ये थी खबर, चार लाइन की खबर, चार लाइन में समाप्त। लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं उसे जवाब ढूंढते ढूंढते शायद पन्ने कम पर जाएं। गरीबों का मसीहा बनने वाली ये सरकार अब किस कलेजा पीटते हुए पिता को देखे और बताए कि अगर हर घर में शौचालय तैयार है तो कोई खुले में शौच करने क्यों गया। सरकार का क्या है, जैसे जैसे उसके तर्क आजकल देखने को मिलते हैं वो तो ये भी कह सकती है शौक से गया होगा। लाशों पर मजाक करना सरकार को खूब आता है। बच्चा का पिता का नाम है राजकुमार राय, उनका दादा का नाम है सोमनाथ राय और बच्चा का नाम है विकास राय। ग्राम पोस्ट सिरसा बिरन, उम्र है 10 से 12 साल उम्र होगा, यही वार्ड नंबर 6। कैसे हुआ सब इसका? माने हो गया, माने से सुबह सुबह लैट्रिन करने गया और उसमें कभी मालूम नहीं था वो बच्चा का सही पुखुर था। उसको पुखुर वाला का मना किया गया था 10 दिन पहले, खून मार रहा था तो कसाई सहनी खून मारने वाला जमीन वाले खोनने वाला रामजी राय सीमा चिमनी। तो गबरा में सुबह शौच के दौरान गया तो डूब गया। हाँ, उसमें शौच करने गया तो उस बच्चा डूब गया। एक बच्चा उसको पीछे था, वो वाहन दिया से ये बच्चा ने मैंने इसमें डूब गया। जाके घरे जब ले कहा तब ले बच्चा को दम टूट गया। हम लोग कम से कम 200 आदमी उसको खोजे तब वो बच्चा ने मिला। 15 फुट वो डीप है पुखुर, बिना भिंडा का पुखुर है। दूसरा आरोप गड्ढा खोदने वाले पर भी है। ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने के लिए मिट्टी को कटवाया गया था। कटवाने के दौरान गांव वालों से हल्का फुल्का विवाद भी हुआ था। लोगों ने कहा भी था कि गहराई बहुत ज्यादा है, खतरनाक है, कोई हादसा हो सकता है, लेकिन किसी की ना सुनी गई। मुनाफे के आगे किसी का नुकसान कहां दिखाई देता है। गड्ढा बेहिसाब खोद कर छोड़ दिया गया, बारिश के बाद पानी भर गई, गहराई खतरनाक थी जिसने एक मासूम को निगल लिया। सुनिए परिजनों ने क्या कहा। जैसे कि हुआ कि वो लड़का का हम सुने कि वो डूब गया है, शायद पैखाना गया था, ये क्या गया था हम नहीं जानते हैं। लड़का डूब गया है और दसई सानी की जमीन है, वो पोखरा खनवाया है। पिता उसका असरफी सानी नाम है पापा को, और जमीन चिमनी मालिक है रामजी राय और अखिलेश राय, दो आदमी है। मेरा जमीन ही बगल में है, हम भी विरोध किए हैं कि भाई जमीन में इतना जब खनवा रहे हैं तो मेरा 32 मिनट का जमीन है, ठीक है 32 मिनट मेरा भी जमीन है, वो तो भस्मे करेगा है। तो हमको लोग बोला कि मेरा मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो अकेला थे, हम डर गए। वो 10 ट्रैक्टर था, जेसीबी था, हम डर के वहाँ से भाग गए, ठीक है। आज ये हादसा हो गया, हादसा हो गया। भिंडा भी नहीं बनाया, पोखरा का मतलब है कि भिंडा बनवाना है। मेरा मेरे बराबर की भाई है, वो पंछुआ करने गया तो जैसे बैठ के किया तो ऐसे उलट गया, उलट गया तो बीच में जाके इतना फंस गया जमीन में। इसके बाद थोड़ा बहुत ताकत था उसके पास तो वो झटका मार के निकल आया, उसके तोड़ने भी आता था। मतलब एक और हादसा होते होते उसे रह गया था जी। आज हो गया, आज हो गया। मुंडा बिना मुंडा का पोखरा, माने उसको भिंडा होना चाहिए पोखरा के कम से कम 10 फीट, नहीं 10 फीट 6 फीट पोखरा कराते, नया भिंडा का पोखरा था।